हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का ब्लॉग बहुत अच्छा होने वाला है और मैं आपका सबका स्वागत करता हूँ आज के नए ब्लॉग में। दोस्तों, मुझे फोन आ चुका है और मैं जा रहा हूँ मॉल में, वेगास मॉल द्वारिका के अंदर, और मुझे मेरे दोस्तों का फोन आ गया। मैं जा रहा हूँ वहाँ उनके साथ, और काफी दिन से प्लान कर रहे थे कि वेगास मॉल देखने चलते हैं और देख के आते हैं क्या है और वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे शोरूम बने हुए हैं। और उस मॉल के अंदर एक 5-स्टार होटल भी है, और अगर मौका मिलेगा तो जरूर उस होटल में भी जाएंगे देखने के लिए। तो बने रहे इस वीडियो में, क्योंकि तो आज का ये बहुत ही शानदार वीडियो होने वाला है। अंत तक बने रहे और इन्जॉय कीजिए इस वीडियो। मिलता हूँ मैं आपको थोड़ी देर में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको अर्जुन की कुछ एक्टिविटी दिखाना चाह रहा हूँ। और वो जा रहा है अपने नाना के पास, और शायद वो उनके साथ घूमने के लिए पार्क में जाएगा, और उसकी मम्मी भी जा रही है, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और देखिए, और मैं जा रहा हूँ द्वारिका वेगास मॉल देखने के लिए, घूमने के लिए दोस्तों के साथ। और कुछ वहाँ ठीक लगेगा तो ले लेंगे, नहीं तो देखेंगे जब विंटर सीजन का जो सेल लगेगा तब देखेंगे, कुछ परचेज करेंगे वहाँ। अभी तो कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट है नहीं कि कुछ लें। आगे देखो, हम नाना झुलाएंगे बाबू को। कैसे कैसे देखो देखो, झूला झूला करो, झूला झूला झूली झूली। अरे वाह मेरा बेटा, वाह आली भाव कैसे उतर रहा है। मैं भी जा रही हूँ, ओके बाय। तो ये अब हम अपने मौजी भाई, और क्या नाम है भाई, अरुण भाई जी के साथ कहाँ जा रहे हैं हम आज? मॉल में। कौन से मॉल? वेगास मॉल। वेगास मॉल में जा रहे हैं, तो ठीक है। द्वारका सेक्टर 12। मतलब कि हमारी किस्मत अच्छी है कि भाई लोगों के साथ जा रहे हैं हम। देखो सफाई दे रहे हैं। अब आप सफाई समझे, कुछ भी समझे, मुझे लेके भाई साहब, फौजी भाई लेके आए, और अरुण भाई, मैं अपनी मर्जी से नहीं आया हूँ आज यहाँ, है ना भाई साहब? अपनी शक्ल भी दिखा दो, है ना? चलो आपको भी दिखाते हैं आगे वेगास मॉल कैसा है, फिर तुमको भी आना पड़ेगा यहाँ पे। ना, तो ये आ चुके हम वेगास मॉल में। आ जाओ फटाफट आ जाओ। ये इसका आउटसाइड का एरिया है, ये देखिए। मैं जिनके साथ आया था वो पता नहीं कहाँ चले गए, और मैं जा रहा हूँ उनको ढूंढने के लिए। ये देखिए, ये मॉल का फ्रंट है, और ये दोपहर का टाइम है, और अभी यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है,
और अंदर से पसीना भी बहुत आ रहा है। वाह, ऐसा लग रहा है कि हम विदेश में घूम रहे हैं। मैं कि ऐसा मॉल मस्त जगह है यार। ये देखिए आप मेरे पीछे ये व्यू देख पा रहे होंगे, तो बेगस मॉल अंदर आने के बाद कुछ इस तरह से दिखता है। ये देखिए आप, बहुत ही शानदार मॉल। और अभी हम अंदर नहीं गए, मैं वेट कर रहा हूँ और अंदर जाने के बाद देखते हैं कैसा है अंदर और यहाँ पर क्या क्या मिलता है मॉल के अंदर। वाह, बहुत ही बढ़िया आर्किटेक्ट डिजाइन। अरे आप पीछे देखिए, अंदर आने के बाद मॉल कुछ इस तरह से दिखता है। देखिए मेरे चारों तरफ बड़े बड़े शोरूम हैं, सारे ब्रांडेड शोरूम हैं। ये देखिए बढ़िया शानदार। कितने का है? 18 19 सर। हाँ मैडम कम कर देगी उसे। यहाँ पे जैसे शोरूम है, सारे ब्रांडेड हैं। क्या बात हाँ बैठो बैठो, ये इसमें टांग दो इसके हैंडल पे। ये इलेक्ट्रॉनिक है ना है? फौजी साहब बड़े मस्त आ रहे हैं भाई, क्या बात है। रोजो बनेवा काफ़ी कॉस्टली शोरूम है। यहाँ पे जितने भी बैग हैं लेडीज़ और जेंट्स सारे कॉस्टली हैं। और जो मैं दिखा रहा हूँ ये 19,000 रुपये का है, तो ये देख सकते हैं इतना छोटा आपका 19,000 रुपये का है, तो बाकी तो महंगे होंगे। ये इसका फर्स्ट फ्लोर है, सारे ब्रांड। भाई साहब दुकान की निगरानी करते हुए ये देखिए क्या हाल है। हाँ जी उस साइड पैसिफिक कितना है? अरे भी अरुण भाई आपने क्या खरीदा आज क्रोमा से? अच्छा ये लिया हमने, अरे 3,000 रुपये की, इससे दाढ़ी बनेगी और कुछ नहीं।
मोजी साहब बड़ी स्पीड में भाग रहे। हाँ मुझे लगा ना ठंडे हो गए। राम और श्याम की जोड़ी हमारे आगे जा रही है। मोजी साहब को टोपी नहीं मिल रही। ये पता भी तो रहेगा, वीडियो मैं आपको भेजूंगा, फिर आपको रहेगा बच्चों को दिखाना कहाँ गए थे हम। ये हम घर वापस आते हुए और आपस में बात कर रहे हैं क्या खरीदा है, तो घर पहुंचने ही वाले हैं, बस थोड़ी दूर में आने वाले हैं। तो मैं आया था आज क्रोमा में फिर दोबारा अपने लिए कैमरा लेने के लिए, लेकिन यहाँ पे मिला ही नहीं मुझे। हाँ जी बोलिए, आप क्या कहना सर? कोई बात नहीं, चलो ठीक है ठीक है। क्रोमा इनके पास है ही नहीं प्रोडक्ट। तो गाइज मैं पहुंच चुका हूं अभी घर, और घर पहुंचने के बाद देखा तो हमारा छोटा बदमाश अपने कार्टून में लगा हुआ है और डांस भी कर रहा है। अर्जुन डांस ही कर रहे है ना, डांस करो, डांस करके दिखा दो। और मैडम बैठी है आराम से, उसके डांस को एंटरटेन कर रही है। हाँ जी हेलो अर्जुन चीको, इसका ध्यान नहीं हटा टीवी टीवी से, मतलब कि फोबिया हो गया टीवी का इसको है। बदमाश तो क्या करें, कैमरा कहां से ले बताओ है? कहां से ले? अभी देखेंगे। देखें क्यों? चांदनी चौक से ले लेते हैं, सबसे अच्छा रहेगा है। ऑनलाइन देखता हूं मैं, ऑनलाइन पता करता हूं एक बार दोबारा। और ये देखिए बदमाश, ये देखो ये पू कर रहा है, अभी पू 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 के लिए बैठ गया। ये देखिए ये पू हो रहा है। तो दिल्ली में आज बहुत तेज ठंड हो रही है, तेज हवाओं के साथ ठंड का कोहरा और हवा बहुत चल रही है आज, और कान से जो हवा निकल रही है ऐसा लग रहा है कि बस आर पार कर देगी। तो टोपी ने काफी हेल्प की, इस मफलर ने भी, और प्रोटेक्शन अच्छी हो रखी है। और आज वेगास मॉल में गए थे तो कुछ खास नहीं रहा वहाँ पे, क्योंकि एक तो वहाँ पे सामान इतना ज्यादा महंगा है, चाहे कोई भी चीज ले लो, चाहे जूते ले लो, कपड़े ले लो, कुछ भी ले लो। बच्चे का भी वहाँ पे जो विंटर के जो कपड़े हैं वो लगभग 3,000 से नीचे नहीं है कुछ भी, चाहे आप एक पजामा ले लो छोटे से, एक दो साल के बच्चे की मैं बात कर रहा हूँ, बिल्कुल ही बहुत ही हाई रीच प्राइस वहाँ पर है। तो अभी जैसे ही विंटर ख़त्म होगा वहाँ पे सेल लगेगी तो फिर जाएंगे। और मॉल देखने में मज़ा आ गया, बहुत ही बढ़िया मॉल, वन रूफ के अंदर आपको सब कुछ अवेलेबल है वहाँ पे, आपका फूड गैलरी से लेकर के आपका और क्लॉथ की बहुत सारी वैरायटी हैं, सारे ब्रांडेड हैं और सारे ब्रांड वहाँ पर अवेलेबल हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, वो सारा ब्रांड उस मॉल के अंदर आपको मिल जाएगा। और बहुत बड़ा मॉल है और साथ में 5-स्टार होटल भी है, रेस्टोरेंट भी हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर कभी आपको मौका मिले तो आप ज़रूर जाएँ सेक्टर 13 14 द्वारिका में, ये मॉल पड़ेगा। तो आपको इस वीडियो में थोड़ा हल्का सा काल धुंधला नजर आ रहा होगा, साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा,
किचन में थोड़ा लाइट कम है, वैसे रोशनी तो है लेकिन इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैडम आज क्या बना रहे हो आप? बन चुका है। क्या बना? आलू मटर। ओहो, आज खाने को आलू मटर मिलेंगे और देखते हैं कैसा बना है, क्योंकि आज मैंने लंच भी ठीक से नहीं किया है क्योंकि मैं लेट हो गया था, लेट आया हूँ। तो ये देखिए मैडम गाजर छिल रही है अभी। ये कब के लिए छिल रहे हैं, क्या बना रहे हो? कल के लिए। कल सुबह के लिए? कल सुबह के नाश्ते के लिए। अच्छा, तो कल क्या बनेगा वो एक दिन पहले ही फाइनल हो गया, डिसाइड हो गया। चलो लगे रहो आप, मैं भी कपड़े चेंज करता हूँ। कर दे रहा टाटा। अब मुआ कर दे, एक मुआ कर दे, कर दे यार। आजकल बड़ा नटखट हो गया है, बस अपनी मस्ती में रहता है, इसको कोई मतलब नहीं है, है ना भाई? ऐसे ही है ना, है? और देखिए खिलौने कैसे फैला रखे इसने। बस कार्टून और ये, और कुछ नहीं चाहिए। और आजकल इसने तो रात को भी सोना हराम कर रखा है, मतलब रात को सोता नहीं है, है ना? रात रात जग जाएगा और पता नहीं कितनी भूख लग रही है इसको, बस दूध चाहिए पीने को। तो दोस्तों फाइनली आज का ये वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपको बाय बाय।